स्वागत है गाइस। आज हम इंसेक्ट्स गेस करेंगे इमोजी से। पहली वाली इमोजी देखो और मेरे को फटाफट से इंसेक्ट का नाम बता दो। क्या तुम लोग बता सकते हो? ये काफी हम लोग को पेड़ पौधों में देखने को मिल जाता है भाई। इससे ज्यादा हिंट मैं नहीं दे सकता। तुम लोग को समझ में आ ही रहा पहला वाला इंग्लिश में, सेकंड वाला तो लिखा ही है, तो बता दो यार मिला के। मेजोरिटी ने आंसर कमेंट कर दिया है। क्यों? क्योंकि पहला वाला है धरती यानी कि अर्थ, और यह है वॉर्म जिससे बन जाएगा वॉर्म, तो मिला देने बन गया अर्थ वॉर्म। यस गाइस, केंचुए अर्थ वॉर्म जो हमारे पेड़ पौधों में काफी पाया जाता है, फर्टिलाइजेशन में भी काफी काम आते हैं ये। कि ये तुम लोगों ने गेस कर लिया था, बहुत सही। तो फटाफट से लाइक दबाना जिसने भी लाइक नहीं दबाया। अभी हम लोग सेकंड वाला देखने जा रहे हैं तो दबा दो। ये वाला तो भाई तुम लोग के लिए शायद थोड़ा इजी होगा। चलो मैं एक हिंट दे देता हूँ कि पहला वाला ना डिटेक्टिव है, उसको डिटेक्टिव को और क्या बोलते हैं इंग्लिश में वो तुम लोगों को गेस करना है। और सेकंड वाला तो तुम लोगों को बताइए, सलमान खान का उससे अच्छा रिश्ता है इंग्लिश में क्या कहते हो? तो तुम लोगों को समझ में आ गया, तो फटाफट से आंसर तुम लोगों को मिला कि मुझे बता देना है, तो कमेंट करो। ओ, काफी कमेंट आ गए हैं। पहला वाला है डिटेक्टिव जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं स्पाई, और ये है एक हिरन यानी कि डियर, तो मिला देने बन गया स्पाइडर। यस गाइस, स्पाइडर भाई 8-8 हाथ पैर वाले मेरे को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बहुत ही डरावने लगते हैं। क्या ये भी तुम लोगों ने गेस कर दिया था? तो भाई सब्सक्राइब तो दबाने का बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दबाओ। अभी हम लोग थर्ड वाला देखने जा रहे हैं ना, तो चलो ये थर्ड वाला देखते हैं। सब्सक्राइब लगता है सबने दबा दिया है। ये पहला वाला क्या है? चलो एक हिंट में ये दे देता हूँ, जहाँ पे मुस्लिम लोग जाते हैं प्रे करने के लिए उसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? यस, ये वो है। और सेकंड वाला तुम लोगों को समझ में आ रही है किस टाइप की गाड़ी है? इस गाड़ी की हेल्प से हम लोग करते हैं क्या है? आई गेस तुम लोग समझ गए होगे, ध्यान से देखोगे तो सब समझ जाओगे, और तुम लोग को फिर मॉस्किटो का नाम भी समझ आ जाएगा। तो फटाफट से कमेंट करके मेरे को बता दो। काफी उन्हें आंसर समझ लिया है। पहले वाले को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मॉस्क, और ये एक गाड़ी है जो टो करती है, तो मिला देने पे प्रोनाउंस करेगा मॉस्किटो। यस गाइस, मॉस्किटो घटिया मच्छर, माथा खराब कर देते हैं, रात को कान में भू भू करते हैं, खून चूसते हैं, मतलब इससे ज्यादा बुरा क्या ही कर सकते हैं। कि ये भी तुम लोगों ने गेस कर दिया था, बहुत ही मजेदार वाली बात है। तो चलो अभी हम लोग नेक्स्ट वाला गेस करेंगे। ये वाला भी तुम लोग बता ही सकते हो, पहले वाले को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? जो मुर्गा होता है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेकंड वाला में वो बोट को चलाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? और थर्ड को तो तुम लोगों को समझ में आ ही रहा है, दिख ही रहा है, तो उस हिसाब से अब तुम लोगों को मिला के इसका आंसर बताना है कि कौन सा इंसेक्ट का नाम है। तो झटक झटक से कमेंट करके मेरे को बताओ। काफी लोग कंफ्यूज हो गए, काफी लोग समझ गए, कोई बात नहीं, आयुष बैठा है ना तुम्हें बताने के लिए। पहला वाला मुर्गा है यानी कि जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉक, ये लोग बोट को चला रहे हैं जिसे कहते हैं रो, और ये है एच, तो मिला देने पे प्रोनाउंस करेगा सबसे घटिया इंसेक्ट कॉकरोच। यस गाइस, कॉकरोच मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, खासकर जब वो फड़फड़ाते हुए उड़ते हुए मुंह के आगे आ जाता है, तो भाई क्या ही बोले, मेरा तो दिमाग खराब हो जाता है। क्या ये भी तुम लोगों ने आंसर कमेंट कर दिया था? गजब बात है। तो चलो अभी हम लोग नेक्स्ट वाला गेस करेंगे। ये वाला भी तुम लोगों को समझ में आ ही जाएगा अगर ध्यान से देखो। देखो सेकंड वाला तुम लोग बोलेंगे वो तो इंसेक्ट ही है, आप क्या बता रहे हो। तो फर्स्ट वाला तो वैसे भी तुम लोगों को समझ में आ ही है, तो सेकंड वाले के लिए मैं ये हिंट दे देता हूँ कि वो एक फ्लाई है। यस, मैंने शायद भूल ही दिया लेकिन समझ गया। तो अब तुम लोग को पता चल गया होगा कि ये कौन सा इंसेक्ट का नाम आने वाला है, तो कमेंट करके बताओ मेरे को।
भाई काफी बड़ा हिंट दे दिया था, पहला वाला तो तुम लोगों को दिख ही रहा है कि एक मक्खन है जिसे इंग्लिश में कहते हैं बटर, और ये तो मैंने बता ही दिया था कि ये फ्लाई है, क्योंकि और क्या बोलने तो तुम लोग मॉस्किटो मॉस्किटो करके सोचने लग जाते हैं। बटरफ्लाई, इसका इस बटरफ्लाई बहुत ही सुंदर होती है, कितना प्यारा लगता है देख के। क्या ये भी तुम लोगों ने गेस कर डाला था, बहुत ही गजब की बात है। तो चलो अभी हम लोग ये नेक्स्ट वाला देखेंगे। ये तो पहला वाला तुम लोगों को दिख ही रहा है, सेकंड वाला जो है जिसपे वो पॉलिश लग रहा है उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, मतलब मैंने तो बता ही दिया है, वो इंसेक्ट का नाम तुम लोगों को बताना है। काफी स्लो चलता है वो, एक हिंट में ये दे देता हूँ, अब तो तुम लोग समझ गए, तो फिर आंसर बताओ यार जल्दी जल्दी, देखते कौन पहले बताता है। वो यार काफी उन्होंने बताया, क्योंकि पहला वाला लिखा है एस और ये नेल पे पॉलिश लगा रहे हैं, तो मिलाद ने बन गया स्नेल। Yes, guys, स्नेल, क्या ये भी तुम लोगों ने गेस कर दिया था, बहुत ही गजब की बात है यार। तो चलो अभी हम लोग ये नेक्स्ट वाला करेंगे, ये भी काफी इजी है, हालांकि ये इंसेक्ट मुझे इतना खास पसंद नहीं है, लेकिन तुम लोग इसको गेस कर सकते हो। पहला वाला तुम लोग को दिख रहा है इंग्लिश में, सेकंड वाला को भी इंग्लिश में बताना है, थर्ड वाले को भी इंग्लिश में बताना है। थर्ड वाला तुम लोग सोच रहे होगे, देखो वो क्या है, वो जो बीच में जो चार लाइन है उसे क्या कहते हैं इंग्लिश में, बस वही तुम लोग को गेस करके बता देना है। तो आई थिंक ज्यादा टफ नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ चल जाएगा। यार काफियों ने गेस कर दिया है, क्योंकि पहला वाला है बिल्ला यानी कि कैट, ये है कान यानी कि ईयर, और ये खंबे हैं जिसे कहते हैं पिलर, तो मिला देना बन गया कैटरपिलर। यस गाइस, कैटरपिलर्स, ये भी गेस कर लिया था, मुझे ठीक ठीक ही लगते, इतना खास पसंद नहीं है, क्या तुम लोगों को पसंद है मेरे को बताना। अभी हम लोग नेक्स्ट वाला गेस करेंगे, ये तो बहुत ही इजी है, वो तो तुम लोग कलर से ही समझ जाओगे इसको देख के। तो फिर पहला वाला भी दिख रहा है उसको इंग्लिश में, और सेकंड तो पता ही है, तो अब सभी लोग कमेंट करो बहुत जल्दी जल्दी से। ओ यार काफियों ने कमेंट कर दिया है, क्योंकि पहला वाला है शहद यानी कि हनी, और ये तो लिखा ही है बी, तो मिलाद रमन के हनी बी। यस गाइस, मधुमक्खी, मैंने मधुमक्खी के ऊपर बर्ड टू डेड की एक पूरी वीडियो बनाई थी अपने दूसरे चैनल पे, वो देखी थी कि नहीं यार, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो थी, जाके देखना, बहुत मजा आएगा तुम लोगों को। तो चलो अभी हम लोग नेक्स्ट वाला गेस करेंगे। अभी ये वाला भी टफ तो नहीं है तुम लोगों के लिए, पहला वाला क्या है, मतलब पहला वाला जब कोई चीज हम लोग चलाते हैं तो उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, और दूसरा वाला तुम लोगों को दिख ही रहा है, तो उस हिसाब से कमेंट करके मेरे को बताओ कि ये कौन सा इंसेक्ट का नाम बन जाएगा अगर हम लोग दोनों को मिला देंगे तो। वो काफी उन्हें कमेंट कर दिया, क्योंकि पहला वाला को अगर हम लोग चला देते हैं तो उसे कहते हैं ऑन, और ये लिखा है टी, तो मिलाद में बन गया ये एंट। अब तुम लोग बोलोगे एंट कैसे, देखो ऑन टॉन टेंट एंट ऐसे करके अनाउंस करने से बन जाएगा, इससे ज्यादा हिंट में नहीं दे सकता था, नहीं तो आंसर ही बता देता मैं तो। तो चलो आज का लास्ट पहली सॉल्व करके बताऊं। तो अभी इन चारों लोगों को अच्छे से देखें और बताएं कि एप्पल का कौन सा लोगो इनमें से सही है, जल्दी से देखिए सोचिए और अपना आंसर मुझे नीचे कमेंट में बता दीजिए। इनमें से ये फोर्थ वाला लोगो एप्पल का सही है। क्या आपके पास एप्पल का कोई सामान है, और अगर है तो आपकी किडनी तो सही सलामत है कि नहीं।